मुझे सोने का हार चाहिए। नया साल आएगा तब लेकर दूंगा। अब आ गया नया साल, लेकर दो। मैं महंगा वाला फोन छोड़ के सस्ता वाला फोन लूं? नेवर। तो करो ना, आप जाके पापा को ना जिद करके बोलो कि पिज्जा ऑर्डर करना है। इतना काम मुझसे करवाते हो, आपका तो ये भी नहीं कि एक नौकरानी रख दो। पापा को मत बताना कि इस मंथ की ट्यूशन कैंसिल हो गई है। अरे भाई, बहुत बुरा हाल है काम का। इतना मंदा चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे लगा ये नया साल आएगा और कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हाँ पुनीत, एक सेकेंड। अच्छा भाई, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बताओ पुनीत। रमनीक, मेरी फ्रेंड नीना के घर में आज पार्टी है और मेरे पास नई ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई नया नेकलेस नहीं है। अरे तुम्हारे पास इतने सारे नेकलेस पड़े हैं, कोई भी पहन लो। वो सारे नेकलेस नकली है, मुझे सोने का हार चाहिए। सोने का हार? तुमको पता है सोना कितना महंगा हो गया है? और आपको ये पता है कि मैं सोने के हार के लिए कब से तरस रही हूँ? अरे पुनीत, मैं तुम्हें सोने का हार नहीं ले सकता। पर क्यों? आपने कहा था नया साल आएगा तब लेकर दूंगा। अब आ गया नया साल, लेकर दो। अरे बाबा, कुछ भी पहन लो यार, तुम्हारे पास जो पड़ा है अभी उसमें से पहन लो। मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, मैं तुम्हें नहीं लेकर दे सकता। ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब ना इनके साथ कुछ करना पड़ेगा। Later. रमनीक, तो मैं यही पुराना सस्ता सा हार पहन के ही पार्टी में चली जाती हूँ। ये मेरी ड्रेस के साथ मैच भी नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छा ठीक है, मैं फिर पार्टी में चली ही जाती हूँ, ऐसे मैं जा रही हूँ। अरे सुनो। अच्छा बाबा, चलो चलते हैं ज्वेलर पे तुम्हारे सोने के हार के लिए। सच सच रमी, चलो चलो चलो। हाँ हाँ बाबा, ठीक है, ज्वेलर से मैं तुमको पार्टी पे ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो चलो चलो। वाह रमी का बहुत अच्छी हो, मैं भी सोने का हार पहनूंगी और सबके सामने शो ऑफ करूंगी। मामा। हाँ बेटा। आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। पहले आप मेरे साथ चलो। कहाँ बेटा? मम्मा, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। बेटा अभी हम बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आप अनन्या दीदी से हेल्प ले लो ना। Later. अरे सुनो तो रमनीक, मुझे ना आपसे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो पुनीत। अगर आप मुझे वो महंगा वाला फोन ले देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अरे बाबा, तुमने इतना महंगा फोन पसंद कर लिया, मैंने तुम्हें पहले इतना महंगा सोने का हार लेके दिया, उसके बाद ये महंगा फोन। मैंने तुम्हें कहा था वो सस्ता फोन पसंद कर लो, मैं ले दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है पुनीत। रमनीक प्लीज, हाँ प्लीज, मैं महंगा वाला फोन छोड़ के सस्ता वाला फोन लूं? नेवर नेवर नेवर, मुझे वो महंगा वाला फोन ही चाहिए। Oh, no. अरे अच्छा बाबा, मुझे कुछ सोचने दो, मैं देखता हूँ। पर तुम अपनी फ्रेंड की पार्टी पे तो चली जाती? कहीं नहीं जाना मेरे को। अरे सुनो, भूख लगी है, खाने को तो कुछ बना दो। मैं ना कुछ बनाने नहीं वाली, जिसको भूख लगी है वो खुद बना ले। यार ये तो नाराज हो गई, बहुत भूख लगी है। पापा, मम्मा कहाँ है? बहुत भूख लग रही है। बेटा मम्मा तो रूम में है। अरे अब क्या करूं, मुझे तो अंडा उबालना भी नहीं आता। हाँ नूडल्स ट्राई करता हूँ, नूडल्स तो बन ही जाएंगे। Just then. मम्मा,
बहुत भूख लग रही है। हाँ कुछ बना दो ना। मैं कुछ नहीं बनाने वाली। तो फिर ऐसा करते हैं, कुछ ऑर्डर कर ले। हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे नया वाला रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ मम्मा पिज्जा ठीक है। आप पापा को बोलो ना मम्मा। मैं पापा को नहीं बोलने वाली, वो वैसे भी मेरी बात नहीं मानेंगे, और वैसे भी ना मैं उनसे नाराज हूँ। तो ऐसा करो ना, आप जाके पापा को ना जिद करके बोलो कि पिज्जा ऑर्डर करना है, वो आपको मना नहीं करेंगे। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। पुनीत ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, नूडल्स। वो पापा हमें ना वो जो न्यू वाला रेस्टोरेंट है ना वहाँ से ना पिज्जा ऑर्डर करना है। क्या बात कर रहे हो नाना, वो न्यू रेस्टोरेंट पता है कितना महंगा है। प्लीज पापा प्लीज। यार सियान वो बहुत महंगा है। पापा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज। ओ पापा ओ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा पापा ठीक है। Later. अरे क्या हो गया, अभी तक नाराज हो? तुम इतना काम करती हो थक जाती होगी, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। और क्या, थकूंगी नहीं तो क्या होगा, इतना काम मुझसे करवाते हो, आपका तो ये भी नहीं कि नौकरानी रख दो। थक जाती होगी। रमनीक जरा देखो ना कौन है। अभी देखता हूँ। मामा ये लो पैसे। ये किस चीज के पैसे हैं बेटा? ये मेरे ट्यूशन के पैसे हैं, इस बार मैम को हॉलिडे पे जाना है तो इस बार की ट्यूशन भी कैंसिल है, तो पैसे वापस मिल गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा। शनाया सुनो बेटा, पापा को मत बताना कि इस मंथ की ट्यूशन कैंसिल हो गई है। ओके मामा। ठीक है जाओ बेटा। बहुत हो गया रमनीक का, इनको तो हर चीज में बहाना मारने की आदत पड़ गई है, पर मुझे भी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की बखूबी आती है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। अब आप बस देखते जाओ रमनीक। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। शनायाज बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी बहुत मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया क्लिक।